अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बड़े दिन के बाद मेरा लाइव का ऑप्शन फेसबुक ने वापस खोला है, बंद किया हुआ था। और मैं बर्लिन में हूँ और जर्मनी में मेरे साथ वाजिद अली साहब हैं। कैसा है? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड चाय पी जा रही है, मसनी मसाला चाय है अमृत रेस्टोरेंट में। चल गया इंटरनेट? जी सही है। तो थोड़ा सा बताएं वाजिद भाई इस जगह के बारे में, शहर के बारे में। बर्लिन जो है जर्मनी का कैपिटल है और इस वक्त हम ओरानियनबुर्गस्ट्रासे कॉर्ड बुसटवर के पास मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत एरिया है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की बहुत बड़ी, यानी कि ईरानी, आपको टर्किश, आपको बड़े मुख्तलिफ तरह के खाने मिलेंगे। और मेरे पास एक मौका था कि रेहान भाई से आज मिलते हैं, और अगर कुछ लोग ऐड करना चाहें मुझे तो ऐड कर सकते हैं। वाजिद अली बर्लिन। और जो स्टूडेंट हैं स्पेशली जो जर्मनी आना चाहते हैं, एक हमारा पेज है बज़्म बर्लिन ऑफिशियल के नाम से, तो आप उस पे आ सकते हैं। आपको अगर किसी किस्म का यहाँ पर अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर कोई मालूमात आप लेना चाह रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हलाल खाना कहाँ से मिलता है, किसी भी इस तरह का जो यहाँ पर आने के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आपके कोशिश करेंगे कि बज़्म बर्लिन ऑफिशियल पर हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करें। और वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ऐड भी कर सकते हैं, 0049-152-17-55-4261। तो जर्मनी की क्या खास बात है, ऐसी क्या चीज़ें जर्मनी जो हम पाकिस्तान में नहीं? जर्मनी में जो है लोग लड़ते शड़ते नहीं हैं ज़्यादा, और अपने काम से लोग अपने काम रखते हैं और अमन से रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कौमियतें बसती हैं, उसमें हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, बग़ैर मज़हब वाले, लेस्बियन, गेज, हर तरह के बंदे हैं। मगर ये कि हर एक के राइट्स का को रिस्पेक्ट किया जाता है और हर एक के व्यूज़ को रिस्पेक्ट किया जाता है यहाँ पर, कि भाई जो भी हैं आप अपने काम से काम रखते हैं और दूसरों को तंग नहीं करते यहाँ पर। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान के तो तीन क्या काम करेंगे? प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वहाँ पर एक में हमें ये कि पाकिस्तान में खुसूसन इस वक्त जो है ना अमन लाने की ज़रूरत है, भाईचारा, और जो इस्लाम ने हमें जो दर्स दिए हैं भाईचारे और के, तो हमें उन्हीं को प्रमोट किया जाए और अमन से रहा जाए। और दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है, तो हमें भी चाहिए कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करें बजाय कि आपस में लड़ते मरते रहें। मेरा ख्याल है क्या और क्या करेंगे? क्या मतलब और क्या मतलब, वो तो आप बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप हुक्म क्या सराहत करेंगे? मैं हुक्म सराहत करूंगा कि आइंदा के लिए हम आपस में जो है ना कोई मिल बैठे और सोचें कि हम एक दूसरे के साथ हमने यहाँ पर रहना है और यही हमारा मुल्क है, और हम कैसे एक दूसरे को साथ रहते हुए क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं। और दुनिया में इसी तरह तरक्की हुई है, पूरा यूरोप इकट्ठा हुआ और पूरे यूरोप ने अपनी लड़ाइयाँ छोड़ी और बेहतरीन तरीके से होकर रहते रहे और आज भी रह रहे हैं और इन्जॉय करते हैं। कोई बॉर्डर नहीं, आप एक से दूसरे कंट्री में जाएं। मैंने बहुत सारे मुल्क यहाँ पर बैठकर देखे और यही वजह थी, हमें कोई मसला नहीं है। हमारे दरमियान वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े हैं, कंट्रीज़ के दरमियान में मसाइल हैं, तो हमें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को भी इसी तरह से प्यार मोहब्बत से रिजॉल्व करना पड़ेगा, बेशक वो कश्मीर का मसला हो या और भी जो हमारे इंटरनल साउथ एशिया के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारे इसी तरह से हमें मिल बैठकर और डिस्कशन के ज़रिए सॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छा, आप मुझसे मिले, क्या सीखा है? रेहान भाई से वैसे मैं फॉलो तो बड़े अरसे से कर रहा था आपको, तो असल में जो मेन जो चीज़ है वो नेटवर्किंग है। किस तरह कोई एक ख़ास किस्म के जो दिमाग के लोग हैं, जो अगर वो होटलिंग इंडस्ट्री में है तो वो होटलिंग इंडस्ट्री के दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि मैं इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो मैं होटलिंग इंडस्ट्री के इस हवाले से बात कर रहा हूँ, तो वो यानी कि वो फिर किस तरह से दूसरे के साथ कनेक्ट हों और फिर वो एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर करें। इसी तरह स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें और एक दूसरे को हेल्प करें और बढ़ाएं एक दूसरे को, हम एक दूसरे को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं। और दुनिया में जो तरक्की हो रही है ये सारा यही है कि सारा नॉलेज एक बंदा अकेले कुल नहीं हो सकता, और नॉलेज अगर हम शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे और खुले जहन के साथ उसके व्यूज़ से इख्तलाफ भी रखते हैं मगर उसके व्यूज़ का एहतराम भी करते हैं,
तो अगर हम इस तरह से सोचेंगे और समझेंगे तो यकीनन प्रोग्रेस होती जाएगी। मैंने जो एक आइडिया बताया था वो क्या था जो आपको समझाया था कि ग्रुप जमा करेंगे और क्या था? रेहान भाई ने मुझे आज गाइड किया है इस हवाले से, कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर जर्मनी में, मैंने इनको बताया कि तकरीबन 100,000 पाकिस्तानी बसते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ के लोगों का एक ग्रुप बनाएं और उनको, पाकिस्तानियों को वहाँ पर ऐड करें, और उनको ऐड करने के बाद उनको जो मुख्तलिफ, जिस तरह से नेटवर्किंग की बात करें, आपस में उनको जोड़ते जाएं और अपने नेटवर्क को मजबूत और करते जाएं, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग इकट्ठे मिल बैठेंगे, और मेरा ख़्याल है हम पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस की सूरत में भी बहुत कुछ फिर सर्व कर सकते हैं। तो ग्रुप में जमा हो गए, उसके बाद क्या करना है उनको? ग्रुप में जमा करने के बाद जो, खैर वो उसकी थोड़ी डिटेल आ जाती है सारी, तो मैंने आगे से ग्रुप में सारों को जमा करें, और ग्रुप में जमा करने के बाद अगर हम कोई भी किसी किस्म के कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हम कुछ पूल करें पैसे, और वो पूल करने के साथ साथ हम कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज़ बना दें, और वो पैसे हम पाकिस्तान में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं रेमिटेंसेस की सूरत में। और भी शायद कुछ आइडियाज़ हैं इनके जो मैं शायद बता देता हूँ, ये अब मेरी तरफ कर दें इसको दबाया। हाँ, मेरी तरफ हो गया। देखिए, आइडिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो हुकूमत पाकिस्तान काम करती है, जर्मनी के अंदर हुकूमत पाकिस्तान तो काम नहीं करती। तो जर्मनी में आप अपनी हुकूमत बना लें। हुकूमत क्या होती है? हुकूमत गाइड करने वाला, राह दिखाने वाला, ये होता है ना। अब पाकिस्तानी जो 100,000 यहाँ रहते हैं, वो आके वही पाकिस्तानियों से पूछते हैं, उन्हीं को, उन्हीं से गाइडेंस मांगते हैं, तो वो बेचारे ज़्यादातर गरीब होते हैं, ज़्यादातर मुफलिस होते हैं, ज़्यादातर खुद थोड़े पैसे कमाने वाले होते हैं। मेरा मशवरा ये था आपको कि आप कैटेगरीज़ बनाएं कि अगर 100,000 लोग हैं तो उसमें से 50,000 लोग जो हैं वो 2,000 यूरो की काम करते हैं, और उसमें से 10,000 लोग जो हैं वो 4,000 यूरो का काम करते हैं, उसमें से जो 5,000 लोग हैं वो 10,000 यूरो का काम करते हैं, ठीक है, महीने का। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगले 5 साल में जो 50,000 2,000 यूरो वाले या 1,000 यूरो वाले लोग हैं उनको माइग्रेट करा के, या उनको इतना इल्म उनका इजाफा करें कि वो 4,000 वाले बन जाएं या 8,000 वाले महीने वाले बन जाएं। और उसके लिए जो जो ज़रूरियात हैं, मिसाल के तौर पे उनकी नॉलेज अपग्रेड करना, उनकी एजुकेशन अपग्रेड करना, उनका नेटवर्क अपग्रेड करना, उनकी टेक्नोलॉजी में उनको अपग्रेड करना, वो तालीमात उनको दी जाएँ और मसाजिद के अंदर। और आप एक पाकिस्तान हाउस का इन्विजन करें कि जी आज से मेरे पास 4-5 साल बाद पाकिस्तान हाउस होगा, जिस तरह मोनिस ने किया है कि जी 2 साल के अंदर ही उसने सीरिया हाउस अनाउंस कर दिया। तो इस तरीके से होगा ये कि जो पाकिस्तानी तितर बितर हुए हैं और अभी वो गलत जगहों पे जाके गाइडेंस लेते हैं, हमारी एम्बेसी के पास तो इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो ये सब काम कर सकें, तो हम अपने तौर पर ये काम कर लें और उनको गाइडेंस करना शुरू कर दें। उसी तरह से आप पाकिस्तानी बर्लिन या पाकिस्तानी जर्मनी.com ख़रीद के एक ऑनलाइन ये सारा सिखाना शुरू कर देंगे। देखिए, जब आप आए हैं जर्मनी तो अब आपने क्या क्या स्टेप्स करने हैं, ये वो मौाक़े हैं जहाँ आप 1,000 यूरो कमा सकते हैं, ये वो मौाक़े हैं जहाँ आप 2,000 कमा सकते हैं, ये वो मौाक़े हैं जहाँ आप 4,000 कमा सकते हैं। आप आए हमारे पास, या ये हमारा यूडमी का ऑनलाइन कोर्स है, ये कर लें उर्दू में, और आप अब 1,000 से बढ़ के 2,000 वाले डब्बे में आ जाएंगे, 2,000 से बढ़ के 4,000 के डब्बे में आ जाएंगे। जो लोग 1,000 से 10,000 में जाना चाहते हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है ना, असल ज़्यादातर लोग उसी चक्कर में रहते हैं, तो पीछे रह जाते हैं, कहीं भी नहीं जा पाते। क्लास 1 से क्लास 2 में आएँ, 2 से 4 में आएँ, 4 से 8 में जाएँ, चलो समझ में आता है, लेकिन 1 से 8 में ना जाएँ, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। ये मेरा मशवरा है कि आप सिस्टम्स क्रिएट कर लें कि हमारा बंदा अंदर आए, उसको फैक्ट्री प्रोसेस के अंदर डालें, उसकी ट्रेनिंग करें, उसको सिखाएं, उसको अपग्रेड करें, उसको नेटवर्क, असल क्या सबसे बड़ा मसला खौफ होता है ना, खौफ ख़त्म करें, उसको क्लब्स में ले जाएं, उसको नेटवर्किंग मीटअप्स में ले जाएं, उसको जो रात को डिफरेंट मीटअप्स होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के होते हैं, चैम्बर के होते हैं, सब में ले जाएं, उसके अंदर से जो खौफ है वो कम हो जाए। अब आपके इतने सख्त 3 लोग आपके दोस्त देख रहे हैं, उसमें से कह भी रहे होंगे ये कौन बोलना शुरू हो गया मेरी दीवार पर, और मेरे वाले भी देख रहे होंगे, तो आप 3 से ये काम शुरू कर लें, 10 से ये काम शुरू कर लें लेकिन, और उससे इंशाल्लाह अपग्रेड हो जाएगी। आपके वाला बंद हो गया, ठीक, मेरा वाला जारी है। तो ये मेरी गुजारिश थी, और आप कुछ पूछना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ, आप मिलने आए, कुछ सवाल है तो मैं हाज़िर हूँ। सवाल ये कि आप कितने दुनिया के मुल्क घूमते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है डिफरेंस के पाकिस्तान में और जर्मनी में किस तरह से हम जो डिफरेंसेस हैं, पहले तो ये कि आपको कौन कौन से 2-3 इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बताएं, और फिर उसका हम कैसे वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। देखें, कंपैरिजन करना सही चीज़ नहीं होती,
ये हमें देखना चाहिए कि देखिए 1965 के अंदर पाकिस्तान की जीडीपी जापान से ज़्यादा थी. पाकिस्तान जो है जापान जितना अमीर मुल्क था या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमीर मुल्क था, और उसके थोड़े साल के बाद हम गरीब मुल्क हो जाते थे. ये कैसे होता है? आज का जो सबसे बड़ा जो चांस हमें मिला है ना, वो ये मोबाइल फ़ोन और ये इंटरनेट मिला है. सबसे बड़ा चांस हमारे लिए है. अच्छा, ये चांस हो गया. सेकंड, अब जर्मनी में हम जो कुछ सीख रहे हैं, जर्मनी में मुझे अगर एक दुकान खोलनी है उसके लिए मुझे साल भर तो लाइसेंस के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा. पाकिस्तान में तो कोई लाइसेंस नहीं लेना होगा. मैं जाऊँगा, दो घंटे में मेरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, अगले दिन मैं यहाँ पे किसी को कहूँगा तो वो मेरा भाई बंदी में वो मेरा काम कर देगा. कोई भी हो, मेरा ज़रूरी नहीं है, काम हो जाता है. दो हफ्ते में, एक हफ्ते में उसका लाइसेंस आ जाएगा, वो काम शुरू कर सकता है. यहाँ पे ऑब्स्टिकल ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि ये ज़्यादा, इनके यहाँ एक आदमी अगर मर गया किसी वजह से तो वो सारी चीज़ बैंड हो गई. हमारे यहाँ नहीं मरा अभी तक, तो हमारे बैंड नहीं हुई. उसको हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान में कर सकते हैं. जर्मनी में, अमेरिका में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, दुबई में, जिस मुल्क में आपको जो चीज़ मिलती है कि ये हम यहाँ कर सकते हैं, उसको टेस्ट में करना शुरू कर दें. थोड़ा 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 करते चले जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा कारोबार. जब किए जाएंगे लोग नौकरी के, नौकर मतलब खुशी से नौकर बनने को तैयार हैं, किसी के ताबेदार बनने को तैयार हैं. क्यों? अपनी मर्ज़ी से जिए, अपनी मर्ज़ी का काम करें, मेहनत ज़्यादा करें, शुरू में 5 साल 10 साल लग के मेहनत कर लें और फिर उसके बाद रिटायर हो जाएं आराम से. भी पैसा इतना आ जाएगा कि आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा काम करने की, फिर आप अपने शौक़ वाला काम करें जैसे मैं करता हूँ. तो ये मेरी ये फ़र्क है कि इस मुल्क में प्रॉब्लम ज़्यादा है. यानी यहाँ काम करना, आपने ख़ुद कहा कि मैं बिल्डिंग ख़रीदता हूँ, इतना टैक्स फलाना करता हूँ, इतना टैक्स करता हूँ, आप समझ सर पकड़ लेते आदमी. हमारे मुल्क में आज़ादी है, हमारे मुल्क में लोग काम नहीं कर रहे, वो खौफ खाते हैं. छोटा काम कर लें, थोड़े से फिर बड़ा कर लें, बड़े से तो और बड़ा कर लें, लेकिन खौफ ना खाएं. और अच्छे दोस्त जमा कर लें तो खौफ कम हो जाए, वो खौफ कम करने में मददगार हो जो सक्सेसफुल लोग हैं. थैंक यू सो मच. मेरी चाय में बाकी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक मैं बात कर देता हूँ. मेरा बिल्कुल प्लीज बताएं आप की तरफ कर लें. इसके अलावा जो है यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई है, उसका नाम है अंगेहर्ड. ये कुछ और जर्मन दोस्त भी हैं हमारे साथ और कुछ और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, तो हमने मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है. ये रेफ्यूजीज़ के हवाले से काम करती है. जो रेफ्यूजीज़ बर्लिन में और इर्द गिर्द के इलाकों में मौजूद हैं, बर्लिन और ब्रांडनबर्ग का एरिया, तो उनको हम इंटरव्यू के मतलब उनके राइट्स के बारे में बताते हैं. क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी लॉयर था, यहाँ पर भी मैंने LLM किया और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं यहाँ पर लॉयर बन जाऊँगा. कोई 6 वीक्स का टाइम है, यहाँ पर काफ़ी ज़रा डिफरेंट है पाकिस्तान के हवाले से. तो हम इंटरव्यूज़ के एक्सपर्ट हैं कि जो रेफ्यूजीज़ का जो इंटरव्यू होता है वो उसमें उनके क्या राइट्स हैं उनके बारे में हम उनको बताते हैं. तो अगर कोई रेफ्यूजीज़ सुन रहे हों जर्मनी में तो वो भी मुझे WhatsApp के थ्रू रब्ता कर सकते हैं. मेरी फेसबुक है तो फेसबुक पे मुझे ऐड कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि रेफ्यूजीज़ की यहाँ पर हम हेल्प करें. और जिस तरह पाकिस्तान में पहले रेहान भाई बता रहे थे कि 1965 में जिस तरह पहले तरक्की कर रहा, तो इंशाल्लाह दूर बैठें या पास हों, हमने अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचना है और उसके लिए काम करना है इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. रेहान भाई अगर आप कुछ बात करना चाहें तो प्लीज़. रेहान भाई की तरफ से भी खुदाफिस, आपको एक दफ़ा हम फिर जर्मनी की एक लुक कराते हैं. ओके जी, अल्लाह हाफिज. आई एम अ राइटर इन बर्लिन. आपका फेसबुक दे दो. अच्छा नूर बादशाह भाई कैसे हैं आप? मैं आपका नंबर इनको दे देता हूँ. अच्छा जी, और क्या सवाल है? कामरान चट्ठा भाई, आप जब वीडियो वाइंड होगी दोबारा देख लीजिएगा, शुरू में नंबर देख लीजिए. कारी मोहम्मद असलम कादरी साहब, नंबर आप इसको रिवाइंड करके देख लें. मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ अगर कहते हैं. क्या मैं रिपीट कर दूँ? नहीं ठीक है, देख लेंगे. रऊफ भाई कैसे हैं? मुझे कॉल कर लें व्हाट्सएप के ऊपर, आपके पास मेरा नंबर है, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ.
फरहान कमर भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सारा कुछ मेरे दोस्त होते हैं, आप मेरे दोस्त ऐड कर लें, आप भी मेरे जैसे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम लईक, कैसे हैं? उसामा जी बेटा, मैं बर्लिन में हूँ, आप मुझे नहीं मालूम कहाँ हैं, आप अगर बर्लिन में हैं तो मैं बर्लिन में हूँ, आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ लें लोकेशन। नमस्ते रमेश भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मनान भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे अगर देख रहे हैं तो। बर्नार्ड ऑस्ट्रा, हे यस बर्नार्ड, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। ऑलराइट एवरीवन, लवली टू मीट यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई वाज जस्ट चेकिंग इफ माय फेसबुक लाइव इज वर्किंग, इट्स वर्किंग फाइन आई गेस, सो आई विल डू मोर। व्हिच एरिया ऑफ बर्लिन इट इज? स्क्रूजबर्ग। नंबर्ग सिटी में कोई हेल्प चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम। नंबर्ग सिटी में हेल्प ये चाहिए कि जितने पाकिस्तानी उनको इकट्ठा करें, वाजिद भाई के ग्रुप में डालें और उनके आमदनी को बढ़ाएं और उनको ताकतवर बनाएं, ये हमें चाहिए आपके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मदीहा, अगर आप बर्लिन में हैं तो मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको जगह बता दूंगा मुलाकात के लिए। अल्लाह हाफिज़।